तुम्हारे छोटे सरकार बहुत दिनों बाद हवेली आ रहे हैं, ख्याल रखना कोई बात बुरी ना लगे। फैक्ट्री का अनाउंस करके तुमने लोगों के दिल जीत लिए हैं। अगले इलेक्शन में वोट के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिन का चक्कर लगाया इस बार, मेरी याद नहीं आती। याद ही तो नहीं जाती। नहीं बाबा साहब, मैं ये सब कुछ वोट हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इन्हें कर तो जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखिएगा। जान से प्यारी दुआ, जब से तुम्हें देखा है ना दिन का होश है ना रात की खबर। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। ड्रामा सीरियल जान सार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नुशहरवा कई साल बाद अपनी हवेली में वापस आता है और इसके बाबा इतने सालों बाद इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें इतने सालों बाद देखा है और तुम्हें हमारी याद नहीं आती, तुम आते क्यों नहीं यहाँ पर। तो फिर नुशहरवा कहता है कि बाबा साहब मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं और मैंने फैक्ट्री का ऐलान भी कर दिया है, इसलिए मैं वहाँ पर फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। तो इसके बाबा साहब कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि तुमने फैक्ट्री का ऐलान कर दिया है, इस तरह तुमने लोगों का दिल जीत लिया है। अब इलेक्शन भी नज़दीक आने वाले हैं, सारा बोर्ड तुम्हें ही पड़ेगा। तो फिर नुशहरवा कहता है कि बाबा साहब मैं ये सब कुछ इलेक्शन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, उनको और उनके हालातों को ठीक करना चाहता हूँ सब लोग। तो फिर इसके बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है बेटा, जिस भी इरादे से तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, फ़ायदा हम सबका ही है, वोट हम सबको ही पड़ेगा। इधर नुशहरवा जिसके भाई को कत्ल कर दिया गया था, तो इसकी बीवी भी वहीं पर होती है। अब इसके घर वाले चाहते हैं कि नुशहरवा की शादी इसकी बेवा भाभी के साथ हो जाए। तो फिर इसकी भाभी इसके पास आते और कहते कि इतने साल तुम कहाँ पर होते हो, कभी तुम्हें हमारी याद नहीं आती, यहाँ पर सब लोग तुम्हें याद करते हैं। तो नुशहरवा कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ कि सब यहाँ पर मुझे याद करते हैं, इस बारे में मुझे अंदाज़ा है। तो फिर इसकी भाभी कहते हैं कि तुम्हें मेरी याद नहीं है, तो फिर नुशहरवा कहते हैं कि मैं इसी याद को तो बुलाना चाहता हूँ। तो इसकी भाभी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। तो फिर नुशहरवा कहते हैं कि मैं सबके कहने पर आपसे निकाह तो कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखिएगा, मैं आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं आपसे निकाह कर लूँगा, आपको अपना नाम दे दूँगा, लेकिन मोहब्बत की उम्मीद आप मुझसे मत रखिएगा। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।